We have never printed our own currency and have never helped any politician who has printed illegal currency to stash it away in armored vehicles accompanied by armed gunmen. We do need money, but we will never stoop to these levels. If you have such genuine but unintended currency in your possession, please send some to us. We will see if we can use it. Otherwise, we'll surely return it. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. मैं हूँ सुमीत राघवन और शाहरुख खान की वजह से मेरी बीवी ने मुझे लाइफ का बेस्ट गिफ्ट दिया है ये चश्मे. These are special glasses. इसे पहने के बाद मुझे रावण का एक भी पोस्टर या शाहरुख खान दिखाई नहीं देता. वैसे this was the worst Diwali of my life. But I wasn't shocked. क्योंकि दिवाली स्पेशल एपिसोड में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रावण विल बी द मोस्ट चूतियाटिक फिल्म ऑफ द ईयर. पर ऐसा कह के मैंने रावण और शाहरुख को अंडर एस्टिमेट किया था. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. रावण इज द मोस्ट चूतिया फिल्म ऑफ द डिकेड. The most chutiya film since Ajub and Hatim Tai. I don't believe in reviewing films, but Ravan is special. Or please don't take it as a review. This is more of my janhit mein jari kind of rant. First, I thought I would write an open letter. But फिर सोचा शाहरुख खान ने बिना स्क्रिप्ट लिखे 225 करोड़ की फिल्म बना दी, तो मैं एक लेटर को लिखने की मेहनत क्यों है? So, after watching Ravan, I, Sumeet Raghavan, feel highly offended as a South Indian. Ra.One. Ra.One. के बीच में GH नहीं है, नहीं तो राघवन हो जाता था. खैर, मैं शाहरुख रावण में शाहरुख एक साउथ इंडियन वीडियो गेम मेकर बने हैं और फिल्म में स्पेगेटी को दही के साथ हाथ से यू नो यू. साउथ इंडियंस क्या इतने चूतिए नहीं है? साउथ इंडियन है इसका मतलब हर चीज दही के साथ खाएगा और हर डायलॉग के पहले अयो बोलेगा. इट्स लाइक सेइंग कि हर पठान पठान कभी इसका बच्चा कुछ भी करने से पहले एक बंदे की लेता है. ऐसे थोड़ी है. जरूरी है कि पठाने तो मतलब लेगा. व्हाई डू यू थिंक कि हर साउथ इंडियन हिंदी बोलेगा तो फुल स्टॉप की जगह आईओ लगाएगा? या तो फुल स्टॉप की जगह आईओ लगाएगा या तो सेंटेंस शुरू करने से पहले आईओ. एसआर के आप आप मुस्लिम हो तो क्या आप हर सेंटेंस के बाद सुभान अल्लाह बोलते हैं? मेरी रावण पिट गई सुभान अल्लाह. गौरी तुम इस ड्रेस में बिल्कुल बूढ़ी लगती हो माशाल्लाह. अर्जुन तुम्हारी बीवी घर पर नहीं है अस्तगफुरुल्लाह. Isn't it stupid, King Khan? Ever heard of stereotypes? हाँ, नहीं सुना हो तो नए बोस के स्टीरियो हेडसेट्स खरीदो और सुनो विथ डिक्शनरी मीनिंग. आई एम ऑल्सो हाईली ऑफेंडेड एज अ फैमिली मैन एज अ फादर. दिवाली के दिनों में लोग मंदिर जाते हैं, परिवार और दोस्तों से मिलते हैं. एसआर के चिल्ला चिल्ला के रावण के प्रमोशंस में कह रहे थे कि एवरी फादर एंड सन शुड वॉच दिस. मैंने अपने बेटे के लिए ये फिल्म बनाई है, ऐसा एसआर के बोलते हैं. मैं अपने पूरे परिवार को रावण दिखाने ले गया, खास करके अपने बेटे को, यू नो. उसमें एक बच्चा कुंजम कुंजम को कॉन्डम कॉन्डम, फिर बेटा अपनी माँ को कॉन्डम कॉन्डम बोलता है. पता नहीं शाहरुख खान की परवरिश कौन से फैमिली में हुई है. ये कौन सा परिवार है जहां घर वाले बच्चों के साथ कॉन्डम कॉन्डम खेलते हैं? कॉन्डम कॉन्डम खेल लेंगे,
जीबी रोड पर रहने वाले बच्चे भी अपने माँ बाप के सामने कॉन्डम कॉन्डम नहीं बोलते, बट आई विल फॉरगिव हिम ऑन दिस बिकॉज एसआरके ने कहा था कि दिस फिल्म इज साइंस फिक्शन. दिस पार्ट डेफिनेटली बिलोंग टू द जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन. आई रियली फील बैड जब एसआरके का बेटा एसआरके से कहता है, पापा रावण का मेन पार्ट पकड़ो. और एसआरके अर्जुन रामपाल के टट्टे पकड़ दो. First of all, I am not a big fan of gay porn and SRK f***ed me more by making me see this with my family. Karan Johar ne apne Twitter page par kaha that ki Ra.One is a brilliant film. Now it makes sense. Unhe ye main part bahut achha laga hoga. Aur SRK ko lagta hai ki we are stupid. We are morons. रावण में दिखाया है कि वीडियो गेम में से विलन कैरेक्टर बाहर आ गया है और वो किसी भी वो किसी भी इंसान की बॉडी में आ सकता है. एंड ही वॉन्ट्स टू किल अ 12-year-old. रावण के नॉन एग्जिस्टेंट राइटर्स ने ये ट्रैक चोरी किया है टर्मिनेटर 2 से. देन देर इज हार्ट. यस, HART. डोंट आस्क मी व्हाई ई इज मिसिंग. शायद इसीलिए क्योंकि ई फॉर एक्सेसी खा के इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी. एनीवे, टेक अ लुक एट दिस हार्ट. जो चोरी किया है आयरन मैन से, ये भी देखिए. अगर आपको चीजें चुरानी ही थी, ओके, एटलीस्ट बी अ लिटिल क्रिएटिव, डैम इट. ये डिवाइस कोई और शेप और साइज का भी तो हो सकता था. और जरूरी नहीं है कि वही डाले जहां आयरन मैन ने डाला था. आफ्टर वॉचिंग रावण, फर्स्ट आइडिया विच केम टू मी वॉज दिस हार्ट शुड बी शव्ड इन द राइटर्स एस. बट आई नो इस राइटर के कीड़े शांत करने के लिए यह हार्ट का साइज छोटा है. बजाज खैतान का बड़ा सा फैन उसके अंदर डालकर चालू करे ना, तब जाकर उसके कीड़े ठंडे होंगे. और एक एडवाइस है, जिन्होंने कभी मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया है, उन्हें इसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहिए. यस, आई एम रेफरिंग टू द फेमस नेवर एंडिंग ट्रेन सीक्वेंस ऑफ रावण. साली ट्रेन बांद्रा से बोरिवली की तरफ जा रही थी, सडनली इट लैंडेड अप एट वीटी स्टेशन. ये कौन सा रूट पकड़ा था हम, मतलब हमें भी बता दो भाई. मतलब ट्रेन वीटी में आती है ऐसे और स्टेशन तोड़ के निकलती है ऐसे. और ट्रेन एक हेलीकॉप्टर है. कमाल का चूतिया था. फिल्म के क्लाइमैक्स में आजाद मैदान में वीडियो गेम एक्सपो है जहां रावण गेम का लॉन्च होने वाला है. पर अचानक आजाद मैदान में गेम एक्सपो की जगह वर्चुअल वर्ल्ड कहां से आ गया? अब किसी चूते ने ये नहीं बताया. और जैसे ही फाइट सीक्वेंस खत्म हुई, वर्चुअल वर्ल्ड भी कहीं चला गया. चलो, आई डिडंट माइंड दैट बिकॉज देन केम द गुड पार्ट ऑफ द फिल्म, द एंड. एसआरके ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई एम अ पेट्रियोटिक पर्सन, आई मेड दिस फिल्म टू शो द वर्ल्ड दैट we are the best when it comes to technology. Yes, he actually said that. He was talking about the special effects of the film. Aur mujhe lagta hai SRK ki special effects company ne last special effect Shaktiman ke dekhe the. Uske baad kuch bhi nahi dekha tha unhone. Ya shayad Aryaman ke special effects dekhe honge jo Shaktiman Mukesh Khanna ne hi banayi thi. Lekin shayad unhone khud ne bhi nahi dekhi thi. Brahmand ka aand, sorry, Brahmand ka वीर योद्धा आर्यमान. मॉरल ऑफ द स्टोरी, रावण के स्पेशल इफेक्ट्स ब्रह्मांड में सबसे टैकी थे. खैर, गुड न्यूज इज दैट मेरा रावण रैंट इज रैंट बोलू चैंड बोलू. तो गुड न्यूज इज दैट मेरा रावण रैंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया. लेकिन आगे है एक रावण का एक और शायद एकमात्र फैन जिसे पिक्चर बहुत पसंद है. So I have personally invited him for a chat. Plus, top 5 reasons SRK ne Ra.One kyun banayi and more decoding of
एपिक चुतियापा रावण राइट आफ्टर दिस ब्रेक. लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम दो मिनट का मौन रखेंगे क्योंकि सिनेमा की मौत हो गई है रावण इस फिल्म में. उठा लो भगवान मुझे उठा लो. वेलकम बैक. किसी ने अमिताभ बच्चन की फेक ट्विटर आईडी से शाहरुख खान और उनके रावण का काफी मजाक उड़ाया. सीनियर बच्चन इस हरकत से काफी नाराज हुए और अपनी असली ट्विटर आईडी से उन्होंने सब डिनाई भी किया है. सुनने में आया है कि एसआरके ने इसको भी फटाफट एक प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और कहा है कि ये आईडी मूवी के वर्चुअल विलन ने क्रिएट किया. रावण की हाइप और ओवर प्रमोशन देख के तो राहुल गांधी भी इंप्रेस हो गए है ना. आखिर कब तक कोई पब्लिसिटी के लिए बूढ़ी गरीब औरतों के घर जा जाके उनकी चारपाइयों पे सो सकते हैं. इन्हें भी कुछ नया सोचना चाहिए. क्या रावण हिट है या नहीं ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है. कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रावण फेल्ड टू ग्रॉस एज मच एज बॉडीगार्ड ऑन डे वन. लगता है वर्चुअल विलन और वर्चुअल हीरो के साथ इस मूवी के फैंस भी वर्चुअल ही थे. नो दैट्स नॉट ट्रू. रावण इज अ बैड मूवी बट देर आर पीपल हु आर लाइकिंग इट है ना. और ऐसे एसआरके के एक डाई हार्ड फैन है जिन्हें रावण बहुत अच्छी लगी है. उन्हें इतनी अच्छी लगी है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रावण रख लिया. प्लीज वेलकम एस शेख. आदाब. अभी किधर क्या दबा. आदाब आदाब आदाब. मतलब ये क्या कर रहे हैं आप. अभी नहीं तो कहा आदाब. लो भाई कमाल कर रहे यार ये. अच्छा ठीक है ठीक है. आप मुझे छुएंगे नहीं. ओके. ओह आई गेट इट. यू आर द वन हु डजंट लाइक प्रोफेशनल पर्क्स. यस आई डोंट लाइक प्रोफेशनल पर्क्स एंड होमोसेक्सुअल जोक्स. सो आप बताइए आपको रावण अच्छी क्यों लगी. रावण मेरे लिए खुदा है. यस यू आर राइट. पूरी खुदी हुई है. इट्स इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ बम्पी राइड टू हेल. लेकिन मैं आपके पास से कुछ स्पेसिफिक रीजन जानना चाहूंगा जिसकी वजह से आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी. बताइए. फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस ही कितना अच्छा था. क्या जहाँ शाहरुख तीन चाइनीज औरतों को मारते हैं जिनका नाम होता है इसकी ली उसकी ली सबकी ली है ना. चाइनीज औरतों को शाहरुख मार रहे हैं इसमें अच्छा क्या है बे. आप उस सीन के सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हैं. उस सीन में और भी बहुत कुछ था. जैसे कि संजय दत्त की वैक्स्ड चेस्ट और उनके मुंह में वो लंबा मोटा सिगार. व्हाट अ विजुअल ट्रीट. You don't like lamba mota cigar? Hmm? No, I don't like it in your mouth. I mean, the way it sounds in your mouth. Okay, let's come back to Ravan. Huh? Hmm. How can you not like Ravan? Because it's a dumb f***. It's the most intelligent film. Haven't you seen the airport wala scene? Hmm? What's the dumbest... Oh, sorry. That's the dumbest scene ever. एक आदमी जो छह महीने पहले मर गया है उसके पासपोर्ट पर दूसरा आदमी कैसे ट्रैवल कर सकता है. आप हर सीन में बिना काम की चीज देखते ही जा रहे हैं. उस सीन में शाहरुख खान ने अपने निपल्स दिखाए थे. आप ही बताइए क्या शाहरुख खान के निपल्स और किस फिल्म में देखने को मिलते हैं. शाहरुख खान के निपल्स देखने के बाद जब वो अफसर अपने मुंह में वो होंठ काटते हुए बोलता है
बस और कितना तड़पाओगे? तब तो मुझे ऐसा लगा जैसे शाहरुख ने ऑडियंस की पल्स पहले ही पढ़ ली थी, इसलिए वो डायलॉग था तड़पाओगे। नहीं नहीं, आई एग्री विथ यू ऑन दिस। उस डायलॉग पर सारी ऑडियंस को भी ये लगा कि इस टॉर्चर से और कितना तड़पाओगे, बंद करो चुतिया पा। डोंट से दैट। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो आज तक मैंने दूसरी किसी भी फिल्म में नहीं देखा। टेल मी, आपने कौन सी फिल्म में शाहरुख को किसी और मर्द का क्रॉच पकड़ते हुए देखा है? प्लीज मुझे याद मत दिलवाओ, दैट वाज सो गे। एक मिनट के लिए मुझे लगा शाहरुख खान ने बिहाइंड द सीन का शॉर्ट मूवी में डाल दिया। रावण एक फैमिली फिल्म है। आपको लगता है कि हमारे इंडिया की 100 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन ये देखना पसंद करेगी? डज शाहरुख खान एक्चुअली थिंक दैट ऑल इंडियंस आर गे? आई थिंक सो। व्हाट? यस आई थिंक सो। एक्सप्लेन व्हाई सलमान टेक्स ऑफ हिज शर्ट इन nearly every film and the film becomes a super hit. Har superstar ne apna shirt nikala hai aur isliye wo sare superstars hain. Ranbir ne apne butts dikhaye hain. Kiske liye? John ne bhi apne butts dikhaye hain. Are unke female fans ke liye. Female fans ko butts dekh ke kuch nahi hota. Getting it? Butt. For your kind information, मुझे भी मर्दों के बट्स देखकर कुछ नहीं होता। आज तक आपने कितने मर्दों के बट्स देखे हैं? अपना खुद का भी नहीं देख पाया हूँ। तो आपको कैसे पता लगेगा कि बट्स को देखकर क्या होता है? Let me show you one. बाप रे। और फिर आपको भी पता चल जाएगा। Just a second. आपके सीधे खड़े हैं। देखो मेरे भाई, आप सीधे खड़े रहिए। मुझे कुछ नहीं देखना है। वॉचमैन, ओ सिक्योरिटी, इसको भगाओ यहाँ से। Come on. Let me show you the power of one. One butt. Butt dot one. Okay. This was the real fan of Ra.One. Ra.One ने जितने भी पैसे कमाए ना, वो सारे इन जैसे गे ऑडियंस की वजह से कमाए। इसलिए शाहरुख का नाम भी फिल्म में G1 था, the gay one. And this also proves गे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कौन बुलाता है यार इन लोगों को? आगे है टॉप 5 रीजन why शाहरुख खान मेड Ra.One. रावण से पीड़ित जनता का गुस्सा इन भूतनाथ, तब तक बजाओ। रावण, शाहरुख खान ने कहा था कि मैंने ये रावण अपने बेटे के लिए बनाई है और हमारे पास है FVM और फ्यूचर वीडियो मशीन। इस पे हमें सालों बाद के आफ्टर इफेक्ट्स दिखते हैं। आइए देखते हैं आज से 10 साल बाद रावण का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। एक मिनट, एक ही तो बटन है। बचपन से आप मुझे यूज करते आए हैं, मेरा नाम लेके आपने रावण जैसी चूतिया फिल्म बनाई। उस फिल्म को देखने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। डैड, नोबडी टॉक्स टू मी, आई एम फकिंग लोनली बिकॉज ऑफ यू पापा। बट नाउ यू वॉन्ट टू मेक रावण का सीक्वल। मैं 20 साल का हो चुका हूँ और आप बोल रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए पिक्चर बना रहे हैं, विच इज डिस्गस्टिंग। बस आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ यू डर्टी ओल्ड कान। तुम रावण हो, बाय, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। देखा, ये वीडियो देखने के बाद आई वुड से दिस इज क्वाइट पॉसिबल एंड दैट मेक्स मी वंडर आखिर SRK ने Ra.One फिल्म बनाई ही क्यों।
And I have my top 5 reasons jiski wajah se SRK ne ye film banayi. Number 5, he wanted his son to disown him. Number 4, Shah Rukh Khan ka dream tha ki wo big screen par Arjun Rampal ke gote pakde. Number 3, he wanted to take revenge on Saif Ali Khan by pressing his girlfriend's boobs. Number 2, Shah Rukh Khan pure India ko mass chutiya banana chahte the, which means he is preparing to fight elections in 2014. And number 1, yeah, Shah Rukh logo ko ye batana chahte hain, chahte the ki log unhe jitna smart samajhte hain utne wo smart ya intelligent nahi hai. Ra.One unke liye catharsis tha. वो दुनिया को अपनी सच्चाई बताना चाहते थे. नहीं, देखो मैं चूतिया, अब तुम लोग जान गए मैं चूतिया हूँ. लव मी नाउ, आई एम द बेस्ट चूतिया. तुम रॉन्ग हो. आइए, आप और इस महफिल में देव को पता चला है कि तुमने अभी अभी सारी दुनिया को बताया है कि शाहरुख ने रावण क्यों बनाई. लेकिन तुमने जितने भी रीजन बताए वो सारे के सारे गलत थे. असली रीजन मेरे पास. प्लीज बताइए देव साहब, प्लीज बताइए. शाहरुख के पास रावण बनाने के सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी. हाँ. शाहरुख मुझसे कंपटीशन करना चाहता था. अच्छा. वो लोगों को बताना चाहता था कि उसके पास भी चाम है, एनर्जी है और दिमाग है. वो मेरी तरह कुछ भी कर सकता है. उसे लगता है कि वो कुछ भी बनाएगा और ऑडियंस उसे देख लेगी. लेकिन वो लाख कोशिश कर ले मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता. You can शाहरुख, अगर सुन लो, अगर तुम सुन रहे हो, अगर देख रहे हो, तो you can never beat शाहरुख. देव साहब, मैं सॉरी लेकिन आपसे इस बात से सहमत हूं. क्या है कि उसने बिल्कुल आपके जॉनर की फिल्म बनाई है. आपके लिए कंपटीशन तो जरूर खड़ा हो गया होगा. तुम समझ नहीं रहे हो. मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि उसने ना सिर्फ रावण बनाई पर उसने रावण का सिक्वल बनाने की भी घोषणा कर दी है. माँ छुट जाएगी. रावण 150 करोड़ का चूना लग चुका है. अगर सिक्वल भी फ्लॉप हो गई तो नुक्कड़ पर चूना बेचने की दुकान खोलनी पड़ेगी. वो ये भूल गया है कि देव भी फिल्म बनाता है. लेकिन देव इतना चूतिया नहीं है कि वो अपनी फिल्म की सिक्वल बना दे. इतने महान आदमी के मुंह से चूतिया माँ छुट जाएगी सुनने में कितना आनंद हो रहा है. यस देव साहब, आई एग्री विद यू. अगर 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 तुमसे शाहरुख कहीं मिले बिल्कुल तो उसे कह देना कि देव इज हैप्पी कि उसकी कॉपी भी कोई कर रहा है. और उसे मेरे घर का एड्रेस दे देना और कहना कि सर्टिफाइड मोरों का सर्टिफिकेट मेरे घर से उठा ले. मेरी नई फिल्म की शूटिंग चल रही है. okay. और अगर उसे मेरी फिल्म में कोई रोल चाहिए, मेरे बड़े भाई का रोल, तो जरूर आ जाए. इस फिल्म में विद्या बालन मेरी माँ बनी है. ओके, तो मैं चलता हूँ. देव है शुगर नाउ. गुड बाय. बाय बाय. गुड डे. लव डे. इट्स जस्ट नॉट इट्स लव डे. वी ऑल लव डे. लव यू सर. अब तो देव साहब ने भी एसआरके को सर्टिफाइड चूतिया घोषित कर दिया. सो नो पॉइंट टॉकिंग फर्दर. लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि लोग उतावले हैं रावण पर अपनी राय देने के लिए बूथ हालात में. देखें, देखिए, बजाओ भाई बजाओ. इस फिल्म का नाम रावण नहीं, गे वन होना चाहिए था. एक नंबर की गे फिल्म है. फिल्म बनाते हैं साले.
रावण को फैमिली फिल्म नहीं फैमिली पॉन बुलाना चाहिए। बॉल्स दबाता है, मेरी करीना के बॉल्स दबाता है। मादर शाहरुख, शाहरुख तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन थी, हर रात को बस तुम्हारे सपने देखती थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हें मर्दों का शौक होगा। रावण देखने के बाद मेरा बेटा हरामी हो गया है, जब भी उसको मैं डांटता हूँ वो मेरी गोटी पकड़ लेता है। शाहरुख खान अगर से मेरा बेटा गे बनेगा मैं तेरी मार दूंगा। तेरी माँ की मैं स्टारडम के हिसाब से मैं भूत से बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट शाहरुख से बात करूंगा। शाहरुख मेरे जैसी फिल्में बनाना बंद करो, स्टॉप कॉपिंग मी। सारी दुनिया जानती है कि तुम करण की बजाते हो, मेरी बजाने की कोशिश मत करना माँ। So, as always, you can't fool all the people all the time. So, bottom line for SRK, next time, zara darke. Thank you, thank you. Ab jate jate, aapko ek chatpati non-Ravan contaminated khabar sunata hun. Just to cheer you up. England mein ek mahila ne apne 100ve janamdin par male stripper dekhne ki ichha prakat ki. Aur uske rishtedaron ne bhi uski ye ichha puri kar di. Stripper ko dekhkar wo 100 saal ki budhiya यही सोच रही होगी कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि अफगानी नुस्खे और जापानी तेल का इस्तेमाल किया। तो आप लोग जाकर वो सब इस्तेमाल करो जो कर सकते हो, नहीं तो फिर 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। बाकी क्या, मैं भी अब निकलता हूँ, आगे भी बहुत काम है। आप लोग क्या 61-62 करते रहने दो। Must pull, free yourself from prejudice rules, free your heart from petty trouble. Want to be free like the wind I'm seeking.